हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब एकदम ठीक रहोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, 28 फरवरी 2022 को व्ल�ग क्यों नहीं आया, 1 मार्च 2022 को व्लॉग क्यों नहीं आया और 2 मार्च 2022 को व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं पहले बताता हूँ, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये आज की डेट है 2 मार्च 2022 और ये जो वीडियो है वो आएगा 3 मार्च 2022 को। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, 28 जनवरी को मैं वीडियो अपलोड ही करने वाला था। उसमें बता रहा है कि आप जो वीडियो सेंड कर रहे हैं वो 2 बार यूट्यूब पे जाएगा, बट मुझे वैसा नहीं चाहता। मैंने 3 बार ट्राई किया, मैंने बोला आज के दिन ब्लॉग नहीं आएगा, चलेगा। 1 मार्च 2022 को हम लोग गए थे बाहर, और बाहर किधर, ठाणे। और जो 1 मार्च को गए थे, आज हम लोग उसकी मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम लोग ठाणे क्यों गए थे उसका ही मुद्दे की बात कर रहे हैं। और 2 मार्च आज मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये एकदम स्पेशल होने वाला है। तो गाइस मैं 1 मार्च के रात को आया, तो मैंने सोचा कि 2 मार्च को नहीं डालता, 3 मार्च को डायरेक्ट डालूँगा। तो हम लोग ठाणे इसलिए गए थे क्योंकि हमको एक नई कार लेनी है। यस गाइस, तो हमारे पास है मारुति सुजुकी आर्टिका VDI मीडियम मॉडल, मिडल का मॉडल है, डीजल मैनुअल, 8 ईयर्स हो गए उसको हमको रख के। अभी उसको हम लोग को सेल करना है। तो हम लोग 1 मार्च 2022 को ठाणे गए थे और रात को आया, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 2 मार्च। तो आप फिर सोच रहे होगे तूने 2 मार्च को कोई और वीडियो डाल देता था, बट मुझे नहीं, मुझे ये वाला जो ब्लॉग है इसके पेपर्स के, तो उसका ही मुझे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैं कोई भी डालता था, बट मैं कल रात को आया। अगर कर मैं शाम को आता था तो रात तक मैं अपलोड वीडियो बना लेता था और आज सेंड हो जाता था, बट हम लोग कल रात को आए, तो इसलिए अभी भी 2 मार्च 2022 की शाम हो रही है, 6:20 हो रही है, मैं अभी वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ। तो हम लोग ठाणे पहुँच के ही हम लोग पहले तो हम लोग गए OLX ऑटो। आपने सुना रहेगा Cars24 OLX ऑटो। तो वहाँ पे हमने बोला कि हमारी आर्टिगा है, हमको वो बेचनी है और हमको कोई 7 सीटर कार सेकेंड हैंड में बताओ। हम लोग सेकेंड हैंड में भी रेडी और फर्स्ट ओनर भी रेडी, फर्स्ट ओनर मतलब डिलीवरी भी शोरूम से ले सकते हो ऐसा। तो हम लोग OLX ऑटो गए, तो उनके पास कोई 7 सीटर कार नहीं थी, सिर्फ एक ही थी, टोयोटा की क्रिस्टा इनोवा ऑटोमेटिक 2018 का मॉडल। और वो बता रहे हैं 21, अगर आपको ये क्रिस्टा इनोवा सेकेंड हैंड चाहिए ऑटोमेटिक 2018 का मॉडल, तो आपको देने पड़ेंगे 21,50,000। और वो बता रहे हमको, और फिर हमने बोला अगर हमको क्रिस्टा इनोवा नहीं चाहिए, सिर्फ आर्टिगा आपको बेचनी है, तो आप हमको कितने देंगे, तो बोल रहे सिर्फ 3-3.5 लाख बस। हमको ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस रेंज बढ़े, 5-5.5-6 तक जाए, बट उनने क्या बोला कि आप हमारी एक तो आर्टिगा 1,31,225 चल चुकी है, मैंने अभी नीचे डिजिटल में देख के आया, तो वो बोलते कि 1 लाख के ऊपर कोई भी कार चलती है ना, तो उसका हम लोग थोड़ा कम प्राइस ही देते, क्योंकि कोई भी हमारे से सेकेंड हैंड गाड़ी लेते ना, बोलती कि इसकी लाइफ चली गई, 1 लाख चल गई, फिर वो इसलिए हम लोग प्राइस थोड़ा कम दे रहे हैं। अगर आपकी 90,000 चलती थी तो हम लोग वो ही देते थे 5-5.5 लाख। फिर हम लोग गए, ठीक है हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग गए Cars24, हमने बोला हमारे पास एक आर्टिगा है, हमको उसको सेल करके कोई सेकेंड हैंड कार देनी है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आ जाए, हमारे पास 2 कार, एक XUV500, आपको मालूम है वो 7 सीटर है, बट वो 2016 का मॉडल है, टॉप मॉडल विद सनरूफ। और वो बता रहे कि आपको इसके देने पड़ेंगे 11,50,000। हम लोग रेडी है, बट हमको क्या चाहिए, थोड़ा ऊंचा मॉडल, और 2017-18 के बाद जो गाड़ी सेकेंड ली है ना वो चाहिए, बट ये 2016, 6 साल हो गए वो गाड़ी को, और 70,000 के अबो है, तो वो भी नहीं। फिर हमने वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने वहाँ पे देखा कार, ओ क्या बोलते हैं, Cars24 का क्रिस्टा इनोवा, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं वो ऑटोमेटिक, अरे मैं भूल ही गया, हम लोग OLX ऑटो गए थे ना, तो वहाँ पे क्रिस्टा जो थी ना वो 2019 का मॉडल था मैनुअल, और वो बता रहे थे 19,50,000। और हम लोग जब भी Cars24 गए ना, तो वहाँ पे XUV का तो बता दिया 2016 ऑटोमेटिक, और वो 11,50,000 देने पड़ेंगे। और क्रिस्टा इनोवा क्रिस्टा का देखा ना, तो Cars24 में 2018 का मॉडल है ऑटोमेटिक, 18 लाख
तो हमको फिर हमने थोड़ा साइड रखा। उसके बाद हम लोग गए महिंद्रा। महिंद्रा में जैसे कि आपको मालूम है अभी कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है, मालूम है कमेंट पूरे भर जाइए, XUV700 बट कमेंट्स ऑफ है गाइस। प्लीज़ मुझे बताओ, कोई भी मेरे से मीट करेगा सब्सक्राइबर, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि कमेंट्स कैसे ऑन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कमेंट्स कैसे ऑन करते हैं। मेरे बॉस भाई और फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि आपके कमेंट्स ऑफ है भैया, आपके कमेंट्स ऑफ है, आप ऑन कर दो, बट मुझे नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप कोई भी मुझे ईमेल करो। मेरा ईमेल आईडी है darshilpoddar@gmail.com। तो आप प्लीज़ ईमेल करो कि कमेंट्स कैसे ऑन करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग फिर गए थे महिंद्रा XUV700 को देखने। तो बोल रहे पेट्रोल डीजल दोनों 1.5 साल की वेटिंग। हम लोग तुरंत निकल रहे, हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमको मार्च में ही हमको गाड़ी लेनी है, यही वाले मार्च में फैसल करके, मतलब ऐसी गाड़ी भी नहीं है, अच्छी सस्ती मतलब एकदम बढ़िया मॉडल, एकदम सस्ती और एकदम मस्त कार ले गए, बट हमको XUV700 छोड़ डाला। उसके बाद हम लोग गए टाटा 7 सीटर। कौन सी? उसमें सफारी हमने 7 सीटर देखी। तो गोल्डन एडिशन कोई काम का नहीं है, डार्क एडिशन कोई काम का नहीं है, एडवेंचर एडिशन कोई काम का नहीं है। जो लोग पागल लोग ना, जो जिनको क्रेज़ पागल नहीं जो जिनको क्रेज़ रहेगा ना गाड़ी का, वो लोग गोल्डन एडिशन, डार्क एडिशन और एडवेंचर एडिशन में से कोई भी एक लेंगे। तो हमने सफारी का सबसे टॉप मॉडल बताया XZA+। वो हमको एक शोरूम जा रही है 21,94,900 और वो सब टैक्स इंश्योरेंस 0 DCP RTO फ्रेम लगा के 26,80,000 तक जा रही है। और हमने पूछा कि XZA+ से नीचे वाला मॉडल बताओ, तो उसका नाम है XTA+। तो वो भी एक शोरूम में उसका 20,15,000 और वो ये सब RTO लगा के ऑन रोड भी नहीं, ऑन रोड 24,07,000 जा रही है। तो फिर हमने फिर हम लोग गए, इसको भी साइड रखा, फिर हम लोग फिर गए होंडाई की IKAZR देखने, माई फेवरेट कार। हमारे पास दो कार है, एक तो आर्टिक और एक है होंडाई ग्रैंड आर्टन नियो स्पोर्ट्स, मतलब टॉप मॉडल एस्ट है, उसके नीचे वाला वेरिएंट ऑटोमेटिक पेट्रोल। उसको हो गए हमको 2 साल 4 महीने हो गए हमको उसको लेके। और IKAZR हम लोग फिर जहाँ से हमने डिलीवरी ली ना नियोस की, वहाँ पे हम लोग IKAZR देखने गए। तो IKAZR में 3 वेरिएंट आते हैं, टॉप मॉडल, मीडियम मॉडल, बेस मॉडल। मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ। टॉप मॉडल का नाम है सिग्नेचर, मीडियम उस सिग्नेचर के नीचे वाला मॉडल का नाम है प्लैटिनियम, और उसके भी नीचे मॉडल का नाम है प्रेस्टीज साइड्स। आप देख सकते हो गाइस, आपको नहीं दिख रहा रहेगा क्योंकि वो इतने छोटे छोटे अक्षर में लिखे ना कि लेंस डाल के इसे पढ़ना पड़ेगा, इतने छोटे छोटे अक्षर। सबको बोलता हूँ गाइस, जितने भी शोरूम है ना वो ऐसे मत दिया करो, थोड़ा सा तो ऐसे देखो, थोड़ा सा तो भी दिया करो ना, बड़ा आदमी क्या ऐसे घुस घुस के देखेगा क्या। हाँ, फिर हमने पूछा कि टॉप मॉडल और मीडियम मॉडल में कितना फ़र्क है, कितने पैसों का। तो ना सिर्फ 40,000 टॉप मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी, और मिडल मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेगी। जिनको नहीं मालूम, वेंटिलेटेड सीट्स मतलब जब भी गर्मी रहती है तभी सीट में से ठंडी हवा आती है, और जब भी ठंडी रहती है तभी सीट में से गर्मी हवा आती है। और टॉप मॉडल और अगर आप मिडल मॉडल लोगे तो वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेगी, और टॉप मॉडल लोगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी। और अगर आप दूसरी भी चीज़ है, अगर आप मीडियम मॉडल लोगे तो वेंटिलेटेड सीट्स तो नहीं मिलेगी, और उसके साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर भी नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल में फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेगा, और उसमें भी जिनको नहीं मालूम फ्रंट पार्किंग सेंसर क्या होता है, अगर कोई अपने आगे आता है तो वो 2-2-2 बजता है। सपोज मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे पीछे IKAZR है एग्जांपल, तो वो जो ड्राइवर है ना, मैं कब अगर जब तक नहीं हटता ना, वो सिर्फ IKAZR में 2-2-2-2-2 करेगा, तो इतना सर खाएगा ना, बाकी पूरी गाड़ी सेम है। तो मैं आपको बोलता हूँ IKAZR अगर आप देख रहे हो ना, टॉप मॉडल मतलब 40,000 आप वेस्ट कर रहे हो, उल्टा 40,000 बचा, और मीडियम मॉडल लो, वेंटिलेटेड सीट्स आपको चाहिए, आपकी मर्जी, बट मैं आपको बोलता रहूँ 40,000 आप सेव कर सकते हो।
पक जाओगे फ्रंट पार्किंग सेंसर से, पक जाओगे। हाँ, और फिर हमने देखा कि जो मीडियम मॉडल है ना, क्या बोलते हैं, प्लैटिनम, हमको, मैं बोलता हूँ, 7 सीटर में ऑटोमेटिक पेट्रोल चाहिए। और जो प्लैटिनम है ना ऑटोमेटिक, तो वो हमको 18 लाख की जा रही है। और नहीं, एक मिनट रुको, प्लैटिनम, हाँ वो हमको जा रही है 19 लाख। और फिर वो RTO इंश्योरेंस पकड़ के 25 लाख तक जा रही है। और ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो ऑटोमेटिक है, वो हमको जा रहा है 25 से 26 लाख तक जा रहा है वो भी। फिर हम लोग गए मारुति, बिल्ड क्वालिटी घटिया, मैं सबसे बोलता नहीं सॉरी बिल्ड क्वालिटी अभी मैं आपको बिल्ड क्वालिटी के बाद में बताता। फिर हम लोग गए मारुति, मारुति में सिर्फ एक ही कार है अल्टिगा, जो नया मॉडल आया। हम लोग, हमने पूछा कि है क्या आपके पास VXI है वरना कोई भी, तो उन्होंने बोला हमारे पास VXI मैग्मा ग्रे है, बट उसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है। फिर हम लोग, मैं और पापा ना रात को बात कर रहे थे कि पापा अपन मारुति के अल्टिगा तो नहीं लेंगे। फिर तो क्यों ना पापा, एक तो उसमें अपन अगर उसमें टॉप मॉडल लेना है तो टॉप मॉडल उसका 6 से 7 महीना लगता है, और मीडियम मॉडल उसके पास रेडी है। पापा बोल रहे कि मैं अपन मीडियम मॉडल लेके, उसमें रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा नहीं है, सेंसर नहीं है, आगे का सेंसर नहीं है, सनरूफ तो सोचो ही मत, कोई मारुति के आता नहीं। टाटा का आ गया सनरूफ, हुंडई का आ गया, महिंद्रा का आ गया, और किसका, होंडा का भी आ गया, मारुति का ही नहीं आया। बट पापा बोलते कि इंडिया की, वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मारुति यूज़ करते। मैं अच्छा, फिर बोलते कि इंडियन ब्रांड्स मारुति, महिंद्रा एंड टाटा है। मुझे लगा था कि महिंद्रा और टाटा इंडिया कंपनी है। मैं पापा, फिर उस बहुत सारे लोग तो बोलते कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, ऐसा मैंने बोला ना, बिल्ड क्वालिटी ना गवर्नमेंट ज़्यादा टेंशन लेती, अपन नहीं लेते। क्योंकि अगर बिल्ड क्वालिटी उसकी ख़राब रहती थी तो 70 लोग क्या उसको लेते थे? 70 लोग, जो 70 लोग में से भी 70 लोग, मतलब 70% लोग लेते थे क्या मारुति? बोला हाँ आपकी बात भी सही है। फिर मुझे पता चला कि बिल्ड क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं है। तो भी अभी मैं फिर पापा को बोलता हूँ, पापा बट अल्टिगा में, अल्टिगा के बोनेट के ऊपर बैठता हूँ ना, वो डायरेक्ट चुपक डालती है। मैं नियोस के भी ऊपर बैठता हूँ ना, वो मतलब एकदम, मतलब वो भी, अगर मैं एक बार ना, हमारी कौन सी, एक बार ना मैं मेरे दोस्त की गाड़ी में बैठा था, कौन सी, वो नाम नहीं आता था, उसमें मैं बैठा, पिचकी नहीं, वो कोई होंडा ही वरना महिंद्रा की थी। हाँ ऐसा कैसे पप्पा, इसलिए बिल्ड क्वालिटी उसकी ख़राब है। और यूट्यूब पे भी आप कोई भी देखोगे ना, आप बोलोगे कि बलेनो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है क्या, अल्टिगा की अच्छी है, सब लोग नहीं बोलेंगे। मैंने ऐसे बोला है ना, हाँ मतलब ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। टाटा से तो, टाटा की नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड है, मारुति की अल्टिगा 2 स्टार भी नहीं, 1.5 है, हमारे नियोस 2 स्टार रेटेड है, सेफ्टी किसमें। और मैं फिर पापा को, पापा ने ना फिर मुझे बताया, पापा ने क्या पे, हाँ ये देखो, पापा ने ना मुझे ये देखो, ये पूरा बताया, पापा ने बताया अगर अपन अल्टिगा लेते, अभी सपोज पापा ने मुझे एग्जांपल, पापा ने मुझे एकदम अच्छे से समझाया, दर्शिल अगर तेरे पास 24 लाख, दर्शिल अगर, जैसे कि पापा ने बोला कि दर्शिल मेरे पास 24 लाख है, मैं 24 लाख में अल्टिगा खरीदता हूँ 12 लाख की, और 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट जिसको नहीं मालूम रहेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब उसको बैंक में डालना 1 साल के लिए, तो उसके पैसे थोड़े बढ़ते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के होते हैं, और 12 लाख इन्वेस्टमेंट करना, तो आफ्टर 5 साल के बाद मैं अल्टिगा बेचने जाऊँगा तो वो मुझे मिल गई 4 लाख की, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुझे मिल गए 24 लाख, तो टोटल कितना मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने 12 लाख की गाड़ी ली और 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 28 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं 24 लाख क्या बोलते हैं वो अल्कासर में देता हूँ, और 5 साल के बाद जो 8 लाख मिलेंगे मुझे बेचने के बाद, तो 8 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे सिर्फ 16 लाख मिलेंगे,
कितना फर्क आ रहा है, 16 लाख पापा ने प्रॉफिट किया अल्काजा लेने के बाद, और अल्टिका के बाद 28। तो पापा की बात भी ये सही है कि अगर अपन अल्काजार लेते तो 16 लाख अपना प्रॉफिट होएगा, सब पापा ने बताया, और अल्टिका लेंगे तो 28 लाख। ये हम लोग ऐसा नहीं बता रहे कि ये एग्जैक्ट है, हमें पापा ने ऐसे एग्जांपल दिया तो हाँ। और वैसे भी हम लोग मारवाड़ी, हम लोग एकदम मेंटली सोचते हैं। तो गाइस ये एक बहुत लंबी वीडियो बन गई, 15 मिनट 30 सेकंड की। तो गाइस ये एक ब्लॉग था कि हम लोग थाना गए थे 1 मार्च को, और ये सब हमारे, हम लोग अभी नई कार ले रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ मुझे ईमेल आईडी में सेंड करो कि कमेंट्स कैसे ऑन करते हैं। मैं एक बार वापस बोलता हूँ, darshilpoddar@gmail.com, इसमें प्लीज़ आप बता दो और फटाफट सेंड कर दो। और मालूम है गाइस एक मुझे और एक इन्फॉर्मेशन मिलनी है, ये जो मेरा चैनल है क्रेजी विद दर्शील, अगर इसमें टोटल 1000 सब्सक्राइबर फटाक से कम्प्लीट हो जाते तो मैं एक न्यू चैनल बनाने वाला हूँ, वो सरप्राइज़ है। तो गाइस ये एक था। और गाइस ये जो क्रेजी विद दर्शील जो चैनल है, इसमें मैं अभी ना कार्स के रिलेटेड भी वीडियोस में कार्स से रिलेटेड, बाइक एक्टिवा से रिलेटेड भी डालने वाला हूँ, ओनरशिप रिव्यू भी डालने वाला हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब करो इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए, लाइक करो एंड शेयर करो। आप एक शेयर करोगे ना, आप मुझे कहाँ से खा पहुँचा दोगे। तो गाइस मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय। और गाइस 1000 सब्सक्राइबर फटाक से कर दो, एक नया सरप्राइज आएगा, नया चैनल बना, कुछ तो आने वाला है। तो गाइस अभी जो भी आगे की रहेगी ना, कि जो भी आगे का रहेगा ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी ले रहे, गाड़ी हमने बुक की हुई गाड़ी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट डिलीवरी के टाइम पे बताऊंगा। बट उसके आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, मेरे बाबा मेरे चाचू पापा क्या बोलते हैं कि कौन सी गाड़ी का देखना चाहिए, तो मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, टिल देन।